दुनिया में पहुंचना है तो एक सूत्र का गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना होगा और मैंने कहा था अब हमारा प्रोडक्शन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला होगा। और जब मैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट कहता हूं तब जीरो डिफेक्ट उसकी क्वालिटी से जुड़ा है एंड जीरो इफेक्ट एनवायरमेंट पर कोई विपरीत इफेक्ट नहीं करेगा। ये मूल मंत्र को लेकर चलना पड़ेगा। साथियों, डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स से दे लघु उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, भविष्य के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। साथियों, कोरोना के समय दुनिया ने भारत के लघु उद्योगों का सामर्थ्य देखा है। भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो विजय हासिल की उसमें लघु उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आज देश एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देख रहा है। पैसे से लेकर प्रतिभा तक एमएसएमई के संसाधनों में वृद्धि हो, इसके लिए चौतरफा काम हो रहा है। पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ये ऐसी योजना है जो इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है। कोरोना के समय में एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम ने लाखों रोजगार, और वो संकट का काल है आप याद रखिए, लाखों रोजगार बचाने में आपके एमएसएमई सेक्टर ने मदद की थी। साथियों, आज हर सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई के लिए सस्ते लोन और वर्किंग कैपिटल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। संसाधन बढ़ने से उनकी सोच का भी विस्तार हो रहा है। हमारे लघु उद्योग नए नए क्षेत्रों में इनोवेशंस भी, और उस पर भी जितना ज्यादा हम अपग्रेड करते हैं, जितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हमें और सशक्त करेगा। हमारी सरकार इस दौर में एमएसएमई को नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। पहले हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट एक रूटीन काम माना जाता था। जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैंने स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बना दी है और मेरी पूरी समझ है कि भावी गढ़ने में स्किल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसलिए आधुनिक से आधुनिक और निरंतर अपग्रेड होने वाली स्किल्ड यूनिवर्सिटीज हमारे यहां बहुत आवश्यक है। साथियों, सरकार आज जिस तरह ईवीज को बढ़ावा दे रही है, उससे भी एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। मेरा तो यहां मौजूद सभी लघु उद्यमियों से आग्रह है कि आप
ईवी की बढ़ती मांग के हिसाब से अपना सामर्थ्य भी बढ़ाइए। और आपको पता होगा, भारत सरकार ने अभी रूफटॉप सोलार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाए हैं, और ये रूफटॉप सोलार बहुत बड़ी मात्रा में हर परिवार को आर्थिक मदद, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और अतिरिक्त बिजली खरीदना, ऐसा एक पैकेज है। और शुरू में 1 करोड़ घर, उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और हमारी कल्पना है कि इसके कारण जो ई व्हीकल्स हैं उनका चार्जिंग स्टेशन उसके अपने घर में ही बन जाएगा, रूफटॉप सोलार से ही चलेगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होने वाला है। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आ रहा है। साथियों, सरकार ने ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम बनाई है। ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हाइड्रोजन व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही है। इसकी मदद से हमने 100 से ज्यादा एडवांस